मैं आपको हमारे यहाँ मैं पहले कहता हूँ, आपको हर बार कहता रहता हूँ कि रॉयल इंस्टीट्यूट आज पूरे देश के अंदर टॉप रिजल्ट दे रहा है, उसके पीछे यहाँ इस संस्थान की सफलता की अगर मैं बताऊँ कि मेन पॉइंट जिसकी वजह से आज संस्थान इतना फेमस हो रहा है, उसका मेन कारण है यहाँ का स्टाफ फैकल्टी, जो कि एक संस्थान के लिए रीढ़ की हड्डी होता है। जैसे अपनी कोई कार होती है, बस होती है, ट्रक होती है, उसमें जो इंजन का रोल होता है वही रोल स्टाफ का एक इंस्टीट्यूट के अंदर होता है। आज मैं आपको हमारे मिलाना चाहूँगा जो हमारे केमिस्ट्री के सर हैं, ये सर ही बताएंगे आपको अपने बारे में कि ये क्या सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाते हैं और एक्चुअल में इन्होंने इससे पहले क्या कुछ कर रखा है, अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो, प्लस कितना इनको लंबा अनुभव है और किस तरीके से एक नॉर्मल बच्चे को कैसे टॉप जगह जो है उसको पहुँचाते हैं, और विशेष तौर पर केमिस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए बहुत टफ होती है और कहीं ना कहीं नीट और जेई में भी इसके बहुत ज़्यादा जो है रिजल्ट है उसके अंदर इसकी भूमिका रहती है, उसके बारे में डिटेल में अपने को अपने डॉक्टर शाहनवाज खान सर जो है वो बताएंगे। जी सर, पहले आप अपने बारे में बताएं, फिर कैसा क्या कुछ सिस्टम रहता है अपने रोयल का और विशेष तौर पे केमिस्ट्री को लेके उसके बारे में बताइए सर। मैडम पहले अपना क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, मैं नेट चेयर और गेट क्वालिफाइड, मतलब ऑल इंडिया के जितने भी केमिस्ट्री के अंदर टॉप लेवल के काम है सारे क्वालिफाई कर रखे हैं। मैं सी डी आर ए लखनऊ से पी एच डी हूँ, मैं डी एस कोठारी फैलो रहा हूँ और कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं एज ए पी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत रहा हूँ। उसके बाद में मुझे मन से ऐसा लगा कि मुझे जो है बच्चे उनके साथ रहना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए और उनको गाइड करना चाहिए, तो मेरा इंटरेस्ट था, इस वजह से मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा। और ये इंस्टीट्यूट रॉयल इंस्टीट्यूट सही मायने में बच्चों की देखभाल करता है, उनकी ग्रोइंग में हेल्प करता है और उनको अपने टारगेट तक पहुँचाने में मदद करता है, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं पिछले 7 साल से रॉयल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है बच्चों को पढ़ाने में भी, स्पेशली केमिस्ट्री जो होती है वो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कॉन्सेप्ट के साथ में बच्चों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ में स्टार्टिंग से लेके 11th से लेके लास्ट कंपटीशन एग्जाम तक कॉन्सेप्ट देते हुए हाई लेवल तक पहुँचाते हैं हम, क्योंकि हमें खुद इतना अनुभव है पुराना और क्योंकि हम सब रास्तों से गुजरे हुए हैं जिससे बच्चे गुजर रहे हैं और हमने टॉप लेवल अचीव किया है हमारी सारी फैकल्टीज ने, तो उनको पता है कि किस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता है और बच्चों को डेवलप किया जाता है, क्या प्रॉब्लम बच्चों को आ सकती है केमिस्ट्री के अंदर, तो वो हम सब ध्यान रखते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से लेकर आजकल जो क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा है उससे लेकर साथ कुछ एक कॉम्पाउंड देने की कोशिश करते हैं बच्चों को, साथ में इतना हाई कॉम्पिटिशन है तो उनका मोराल भी ऊँचा रखना पड़ता है, तो हर फैकल्टी जो यहाँ के आपको दिखेगी सेल्फ मोटिवेटेड दिखेगी, तो जब टीचर सेल्फ मोटिवेटेड रहता है तो उनका बच्चा भी मोटिवेटेड रहता है। और हर इंस्टीट्यूट के अंदर आजकल ये बहुत बड़ी नीड है कि पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है, और जब मोटिवेटेड बच्चा रहता है तो वो अच्छा अचीव भी करता है, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शन कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये हमारी फैकल्टी बहुत अच्छे से डील करती है, क्योंकि सबको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी है। बहुत बढ़िया सर, जैसा कि मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे 11th 12th के साथ में बच्चे तैयारी करते हैं तो कई बार क्या पेरेंट्स को जानकारी नहीं रहती और वो फाउंडेशन बेस ज्वाइन नहीं करा सकते या करा नहीं पाते, परिस्थितियाँ ऐसी होती कि उनको लगता है बच्चा 12th करके जाएगा, लेकिन इस सोच के साथ में कई जगह फैकल्टीज नहीं होती, कई बार कोई सरकारी स्कूल में भी नहीं होती, कई बार प्राइवेट स्कूल होती है वहाँ पर भी केवल बोर्ड का पढ़ा दिया जाता है। अब उस बच्चे को या पेरेंट्स की इच्छा होता है कि नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कृषि वैज्ञानिक बने, तो जो 12th का जो सिलेबस है उसके थोड़ा ऊपर लेवल का अपने को पढ़ाना होता है कंपटीशन में, बच्चे की ये टेंशन रहती है कि मेरा तो ये सब्जेक्ट 11th में मेरे यहाँ टीचर ही नहीं थे, 12th में भी नहीं थे, मैंने तो नीट के हिसाब से कंटेंट तैयार ही नहीं किया, CUT जो ICAR के लिए उसके हिसाब से कंटेंट तैयार नहीं किया, क्या मैं 1 साल ड्रॉप करके वो केमिस्ट्री की जो मेरी कमियाँ हैं वो क्या मैं दूर कर सकता हूँ, तो आपको क्या लगता है उस बच्चे को आप लोग कैसे डील करोगे अगर वो यहाँ एडमिशन ले लेता है तो, और उसको कैसे मोटिवेट करोगे कि नहीं उसको तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सर, आजकल इंडिया का हर जो चीज हो गया वो NCERT बेस्ड हो गया और NCERT एक लर्नर एक बिगनर स्टूडेंट के लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो NCERT के लिए उसको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है,
और वन ईयर इनफ होता है हमारे पास में उसको ट्रीट करने के लिए, उसको समझाने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए। अगर बच्चा हमारे पास 11 से आ जाता है तो वो खुद उसकी इतनी हैबिट हो जाती है कि 11 12 के साथ ही वो अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेता है। लेकिन अगर उसने 11 12 में एनसीईआरटी को इस तरीके से नहीं देखा है या इतनी मेहनत नहीं की है, तो हमने कई तरह के कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, कई तरीके के ऐसे प्रूव एंड टेस्टेड मेथड है हमारे पास में कि जो बच्चा 11 12 में नहीं पढ़ पाया है ढंग से वो वन ईयर में कैसे अच्छे करेगा, तो हमारे रिजल्ट आपको भी बता देता है कि मेथड कितनी तरीके से चल रहे हैं और टेस्टेड मेथड है, इसलिए आपको कोई शक नहीं होना चाहिए और आपको बिलीव होना चाहिए कि हम किस तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। तो हम जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग में लेके चलते हैं और आखिरी में जाते जाते उस बच्चे की इतनी हैबिट हो जाती है कि वो खुद क्वेश्चन बनाने लग जाता है, एनसीईआरटी में से खुद क्वेश्चन डेवलप करने लग जाता है और इतना कम्फर्ट फील करता है आखिर में जाके कि वो अपने आप उसको लगता है कि अब बस सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद सर। मैं बताना चाहूँगा इन गुरुजनों की देन है कि 2022 के अंदर पूरे देश के अंदर जो है आईसीआर में फर्स्ट रैंक ये इंस्टीट्यूट लेके आए, इसके अलावा सीयूटी में 100% आए आपकी साक्षी पालीवाल राजसमंद से लेके आई, जेईटी के अंदर जो पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक किशन भाकर लेके आया, 90 से ऊपर कई बच्चे जो है ट्वेल्थ बोर्ड के अंदर लेके आए, पीसी एमपीसी भी एबीसी के अंदर। तो आगे भी मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि खान सर की तरह हमारे पास एक पूरी टीम है, केमिस्ट्री के 7-8 फैकल्टीज है, बायोलॉजी के इसी तरीके से आपके एग्रीकल्चर के, चाहे फिजिक्स हो, में तो सबका व्यवस्थित स्टाफ यहाँ पे और इस तरीके से हम पढ़ाते हैं कि 11 12th में आपने कोई तैयारी की नहीं की, वहाँ फैकल्टीज थी या नहीं थी वो भी डजंट मैटर, यदि आप पूरे डेडिकेशन के साथ में रॉयल के सिस्टम को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप जो सोचते हो वो आप डेफिनेटली कर पाओगे और हमारी रॉयल की टीम इसी तरीके से आपकी हेल्प करती रहेगी। थैंक यू सर। बच्चों को एक बात जी सर बोल देता हूँ कि रॉयल के अंदर जो है वो कैसे हंसते हंसते जीता जाता है, टेंशन फ्री सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की यही है। टेंशन फ्री सिलेक्शन अगर आपको कराना है तो इंस्टीट्यूट आपका इंतजार कर रहा है, आइए यहाँ सपने देखिए और उसको पूरा करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर जी सर।